ओह माय गॉड गाइस, आप देखिए ये सामने से व्हाइट टाइगर मूत रहा है चारों तरफ। जरूर जाना चाहिए, दैट इज द अलीपुर जू। कोलकाता का आन बान शान है जहाँ पर आपको मिल जाएगा हजारों सैकड़ों स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो हर वक्त तो पॉसिबल नहीं होता है आप किसी वाइल्ड सेंचुरी में जाओ, एक्सप्लोर करो वाइल्ड लाइफ, बट आप कोलकाता में आकर ट्रस्ट मी यू कैन एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल एनिमल इकोसिस्टम इन द अलीपुर जू। तो कैसे आप अलीपुर जू जा सकते हैं, उसका एंट्री भी कितना होगा और क्या क्या देखने लायक चीज़ है, कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ इन द हार्ट ऑफ द सिटी, दिस इज द शियालदा स्टेशन। आप देख सकते हो खचाखच भीड़ है यहाँ पर, लॉट ऑफ लोकल ट्रेन्स आर ओवर हियर। तो यहाँ से कोलकाता में कहीं से भी आप अलीपुर जू से जा सकते हो, बट क्यों मैं एकदम सेंटर पॉइंट से जा रहा हूँ, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन एकदम 100% मिल जाएगा। शियालदा इज द सेंटर ऑफ द सिटी, यहाँ से आपको कौन सा बस पकड़ना पड़ेगा और कितना टाइम लगता है, कौन सा बस नंबर, कैसे आप पहुँच सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखना है, वीडियो के शुरुआत में एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं द वन ऑफ द मोस्ट फेमस जू, दैट इज द अलीपुर जू ऑफ कोलकाता। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ जस्ट स्टेशन से बाहर और ये रास्ता जा रहा है सीधा टूवर्ड्स द बस स्टेशन। तो वहाँ से मुझको पकड़ना है बस, कौन सा बस नंबर थोड़ा सा मैं पूछताछ किया, उन लोग समॉन टोल्ड मी दैट 230 230 नंबर बस जाता है, बट अभी तक श्योर नहीं हूँ, जस्ट लाइक आई नीड टू आस्क समॉन एल्स इन द बस स्टेशन। वहाँ पर जाकर श्योर होकर ही मुझको बस पकड़ना है और बस का रेट भी कितना है वो भी आपको बोलते हैं आफ्टर गेटिंग इन टू द बस। सो दोस्तों एटलस बहुत ढूंढने के बाद मिल गया है बस 230, ये है मेरा बस नंबर, एकदम लोकल कोलकाता का जो बस है। ये बस जाता है एकदम चिड़ियाखाना जो अलीपुर जू का बस स्टैंड में, बस छूटने वाला है, मुझको अभी चढ़ना पड़ेगा। तो देख सकते हो ऑलरेडी मैं चढ़ चुका हूँ बस पे, एंड दिस इज द लोकल बस ऑफ कोलकाता 230। तो दोस्तों 40 मिनट का जर्नी करने के बाद ऑलरेडी मैं पहुँच गया हूँ अलीपुर जू। देख सकते हो इट इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द जू और वहाँ पर है टिकट काउंटर, सॉरी वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है टिकट काउंटर। तो टिकट भी खरीदना है, टिकट का प्राइस कितना भी पता नहीं, जाकर पता करता हूँ हाउ मच इज द प्राइस ऑफ द टिकट। सो शियालदा स्टेशन से आधा घंटा 40 मिनट का डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पर रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बट ये कार्निवल का टाइम है, आप देख सकते हो कितना खचाखच भरा हुआ भीड़ है, कितना लोग है, पूरे मेला टाइप ऑफ सिचुएशन है। यहाँ पर खाने पीने का सब कुछ इंतजाम है और बहुत सारे लोग गाइस आए हैं टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल अलीपुर जू। तो चलिए हम लोग भी अंदर जाते हैं, देखते हैं व्हाट आर द सरप्राइजेस आर वेटिंग फॉर यू एंड मी। अंदर आ चुका हूँ जू के, आप देख सकते हो ये कार्निवल का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, तो अंदर खचाखच भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जस्ट पार्टी कर रहे हैं, जस्ट लाइक पिकनिक का माहौल है। सो ट्रस्ट मी यहाँ पर चारों तरफ हरियाली और इसके बीच में एक वाइल्ड सेंचुरी, ये जो इंक्लोजर पीछे पीछे देख रहे हो अगल बगल, ये सभी ऑल दिस, ये अंदर कहीं पर टाइगर्स है, कहीं पर लायंस है, कहीं पर बर्ड्स है, कहीं पर कोकोडाइल्स है, और ये सब देखने के लिए आप देख सकते हो चारों तरफ कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दर एंजॉइंग the fantastic sunshine weather in this beautiful greenery in this beautiful campus of Alipur Zoo. Dosto piche dekhiye ye hai Royal Bengal Tiger jo sham se pura hai in its enclosure. Bahut time se ye Royal Bengal Tiger idhar udhar ghum raha tha, ghumte ghumte shayad ab ye thak chuka hai. Ab dekh sakte ho dosto ye jo tiger mama, ye bagh abhi thoda sa rest bhi le raha hai yahan par enclosure mein, aur isko dekhne ke liye charon taraf dekhiye kitne log hai tiger ko dekh rahe hain. टाइगर सोते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, हर पोज में इट लुक्स सो रॉयल। तो दोस्तों अभी घूमते घूमते मैं आ चुका हूँ दूसरी तरफ पे इस जू का, और ये है जिराफ का इंक्लोजर।
और ज़ीराफ के इनक्लोजर के सामने बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्यों नहीं आप देख सकते हो, ज़ीराफ यहाँ से दिखाया जा सकता है, बहुत सारे ज़ीराफ है। थोड़ा सा सामने जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ ज़ीराफ का जो इनक्लोजर का सीन कैसा है। गाइस, दिस इज़ द ज़ीराफ, सो टॉल, सो हाई एंड देखने में तो लाजवाब है। चलिए आप भी थोड़ा सा देख लो। सामने ये देख सकते हो पीछे बहुत दूर दो लायन का जो कब है बच्चा है तो बैठा हुआ है। पिछली बार 2-3 साल पहले जब मैं आया था उस टाइम एक बड़ा लायन को मैंने देखा था, इट वाज रोडिंग सो हाईली, तो उसका जो रोडिंग सुनाई दे रहा था बहुत दूर से। बट आज अनफॉर्चुनेटली आप ये कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कब आपको कौन सा मूड में आपको लायन मिलेगा। लोग जब ऐसा मूड होता है ना, ऐसे ही एनिमल्स का भी मूड होता है। अभी तो बेचारा छोटा छोटा लायंस दे आर टेकिंग रेस्ट, सो रहा है, शायद आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत दूर है वहाँ पर, बट यहाँ से दिखाया जा रहा है। बट इट इज़ बैड लक फॉर यू ऑल, ऑल्सो माई बैड लक, इतना दूर आने के बाद भी लायन का जो इनक्लोजर इतना ठीक ठाक है, बट लायन का मूड अभी थोड़ा सा रेस्टिंग मूड में है। दोस्तों ये देखो एक भूखा तेंदुआ हम लोग के सामने इधर उधर चक्कर लगा रहा है, कितना सोचिए कितना भूखा है, और सामने इतना खाना देखकर इन लोगों का खाना का स्मेल सूख कर ये पूरा क्रेजी पागल हो चुका है। जस्ट लाइक देखिए मेरा हाथ का ही डिस्टेंस है, जब 2 से 3 फुट डिस्टेंस में ये तेंदुआ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है नॉन स्टॉप लास्ट 30 मिनट से। इतना सामने से एक भूखा और वाइल्ड तेंदुआ को देखना, जागुअर को देखना, इसका जो एक्सपीरियंस होता है ट्रस्ट मी जस्ट ऑसम। रॉयल बेंगल टाइगर एक शान से बैठा है, सुबह से पोज देते देते थक चुका है ये टाइगर, सो ही इज इन छोटा सा रेस्ट मूड। यहाँ पर आप जितने भी इंक्लोजर देख रहे हो इधर उधर सभी में एक एक टाइगर्स है, तो थोड़ा सा दिखा दो दूसरा इंक्लोजर में भी टाइगर है। लेट मी शो यू आप, आई वॉन्ट टू शो यू दैट, यहाँ पर भी देखिए गाइस एक दूसरा टाइगर भी यहाँ पर सोया हुआ है, और दो टाइगर इस इंक्लोजर में अंदर है दोनों ही, शायद मियाँ भी है, पता नहीं मियाँ भी है क्या है, बट ट्रस्ट मी बाघ को इतना सामने से देखने का जो एक्सपीरियंस, ये तो बहुत ही कमाल है। ढोल एक बहुत ही फेमस है, जंगली डॉग है, और ये फर्स्ट टाइम अलीपुर जू में जस्ट 2-3 दिन हुआ है यहाँ पर ये नया इंक्लोजर खोला गया है, बहुत दूर है, एक्चुअली ये नया मेंबर है इस जू में, तो थोड़ा सा डर रहा है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग हम लोग देख रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो पास भी नहीं आ रहा है, दूर से ही इसको देखा जा रहा है। इट इज़ द इंडियन वाइल्ड डॉग ढोल। यहाँ
यहाँ पर एक इंडियन हाइनस का भी एक इंक्लोजर नया खुला हुआ है. मीन्स यहाँ पर दो नए इंक्लोजर है, एक है वाइल्ड डॉग एंड सेकेंड इज हाइनस का. पर हाइना का जो इंक्लोजर, हाइना बहुत दूर था, मीन्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो दैट्स वाई वहाँ पर देखने लायक कुछ भी नहीं था, तो आ गया. सो गाइस, ये नए दो मेंबर अलीपुर जू में आप देखने के लिए देख सकते हो. बहुत सारे लोग यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं देखने के लिए. दे आर क्राउडेड ओवर देयर. और सामने ही देख सकते हो एक ब्यूटीफुल तालाब भी है, और यहाँ पर बहुत सारे पंछी आ रहे हैं, बिकॉज विंटर में माइग्रेंट बर्ड का भी आने का एक चल है इस जू में. तो जो माइग्रेंट बर्ड्स है, जो साइबेरिया से आता है, जो दूसरे देश से आता है, वो भी यहाँ पे आता है टू एंजॉय द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ कोलकाता अलीपुर जू. सिर्फ अमेज़न में पाया जाता है? नो, एनाकोंडा कोलकाता में भी पाया जाता है, इन कोलकाता जू. तो अभी मैं आ चुका हूँ एनाकोंडा के इंक्लोजर के सामने. इस ग्लास के ठीक पीछे है एनाकोंडा, तो चलिए पास में से देखने की कोशिश करते हैं. एनाकोंडा दिखाया जाता नहीं है, एक्चुअली बहुत ही लाइक हेजी जगह है. एनाकोंडा ऐसे ही दिखाई नहीं दे रहा है. दोस्तों, ये एनाकोंडा के इंक्लोजर में छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो न्यूज़ यहाँ पर मिला, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मैं बात कर रहा था, ही टोल्ड मी दैट कुछ दिन पहले एनाकोंडा जो 8 एनाकोंडा लाया गया था फ्रॉम द अमेज़न, ये 8 यहाँ पर मर गए हैं, दे डोंट एग्जिस्ट. बट ये सुनकर थोड़ा सा दुख हुआ. एक्चुअली मेरा लगता है आई थिंक दैट एनाकोंडा डिफरेंट क्लाइमेट का एक सांप है. ये कलकत्ता का जो क्लाइमेट शायद उन लोगों का सूट नहीं हुआ, इसीलिए दे हैव एक्सपायर्ड. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है. बट इनक्लोजर वॉज सो नाइस. इनक्लोजर बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया था, टेम्परेचर भी मेंटेन किया गया था, मॉइस्चराइजर के लिए भी थोड़ा सा मशीन लगाया गया था, आई हैव सीन इन टेलीविजन. बट मर जाने का न्यूज़ मेरे पास नहीं था, शायद आप लोगों को भी बहुत लोग जन जानते नहीं है कलकत्ता के जो जू में एनाकोंडा मर गया है. तो अब जब आओगे तब मेंटल प्रिपरेशन लेके आओ, एनाकोंडा इस जू में तो फिलहाल अब नहीं है. तो दोस्तों, ये ख़त्म हो गया मेरा ट्रिप अलीपुर जू में. ये क्रिसमस के ईव में ये फैंटास्टिक इवनिंग, फैंटास्टिक डे मैंने स्पेंड किया विद द वाइल्ड सेंचुरी ऑफ कोलकाता अलीपुर जू. ट्रस्ट मी, द एक्सपीरियंस वॉज सो नाइस एंड सो फैंटेबुलस. एक दिन टाइगर के साथ, शेर के साथ, हाथी के साथ, राइनो के साथ, जेब्रा के साथ, ये सभी एनिमल के साथ रहने का जो मज़ा है, जस्ट ऑसम. और उन लोगों का जो बिहेवियर है, जो मूड है, रोनिंग है, सब कुछ मिलाकर ये जो एक्सपीरियंस, तो आउट ऑफ 10, जस्ट 10, माय गुडनेस. तो अगर आप कोलकाता में आ रहे हो, जस्ट 30 रुपये टिकट खरीद के, जस्ट मेन सिटी से आधा से एक घंटा डिस्टेंस पे, अलीपुर जू का ट्रिप आपको मिस तो नहीं करना है बॉस, आपको ही आना है. सो होप सो यू गॉट एंटायर डिटेल्स, कैसे आना है, कैसे, कितना, क्या क्या देख सकते हो, क्या नहीं, एनाकोंडा नहीं, एनाकोंडा मर चुके हैं, और कितना एंट्री फी है, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिला है. तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑफ कोर्स दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. सो मेरे प्यारे दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.